हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को वीडियोस कैसे कैसी लग रही हैं। लेट्स स्टार्ट टूडेज टॉपिक, दैट इज़ ग्रुप रोल्स। अ रोल इज़ अ सेट ऑफ एक्सपेक्टेड बिहेवियर पैटर्न्स एट्रीब्यूटेड टू द वन हु ऑक्यूपाइज द पोजिशन डिमांडेड बाय द सोशल यूनिट। इसमें हम क्या देखते हैं, जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वहाँ पर हमारा एक बिहेवियर पैटर्न बन जाता है, और हम किस पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहे हैं वहाँ पर हमको कैसा रोल प्ले करना पड़ रहा है। इंडिविजुअल प्ले मल्टीपल रोल्स एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली हम काफ़ी रोल प्ले करते हैं। एम्प्लॉयज अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम, और हम ये भी अंडरस्टैंड करते हैं कि सामने जो हमारे मैनेजर हैं, जो हमारे सुपीरियर हैं, वो हमसे कैसा रोल चाहते हैं। ग्रुप रोल्स आगे इनको डिवाइड किया गया है, टास्क ओरिएंटेड रोल, रिलेशनशिप ओरिएंटेड रोल्स एंड इंडिविजुअल रोल्स। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट देखते हैं टास्क ओरिएंटेड रोल्स। रोल्स अलॉटेड टू इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंग टू देम वर्क एंड एलिजिबिलिटी इज नोन एज टास्क ओरिएंटेड रोल्स। जो हमें रोल अलॉट किया जाता है एज अ इंडिविजुअल, हमारी एलिजिबिलिटी, हमारी एजुकेशन और हमारे स्किल्स के अकॉर्डिंग, उन्हें हम टास्क ओरिएंटेड रोल्स कहते हैं। जैसे इनिशिएटर, द वन हु प्रपोजेस एंड सजेस्टेड डिफाइंस। जो हम किसी चीज़ को इनिशिएट करते हैं, प्रपोज करते हैं, सजेस्ट करते हैं। इन्फॉर्मर, द वन हु ऑफर्स फैक्ट, एक्सप्रेसेस फीलिंग्स, गिव ओपिनियन। जब भी हम कुछ फैक्ट और फिगर बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं और अपनी ओपिनियन देते हैं। क्लैरिफायर, द वन हु इंटरप्रेट्स, डिफाइन, क्लैरिफाई एवरीथिंग। जो इंटरप्रेट करता है किसी भी प्रॉब्लम को, डिफाइन करता है और हर एक आस्पेक्ट को क्लैरिफाई करता है। समराइजर, द वन हु लिंक्स, रीस्टेट्स, कंक्लूड्स एंड समराइजेस। जो किसी भी चीज़ को समरी को प्रोवाइड करता है और उसका एक कंक्लूजन प्रोवाइड करता है हमारे लिए। रियलिटी टेस्टर, द वन हु प्रोवाइड्स क्रिटिकल एनालिसिस। जो हमें एक एनालिसिस करके देता है प्रॉब्लम का। इंफॉर्मेशन सीकर और प्रोवाइडर्स, द वन हु गिव्स इंफॉर्मेशन एंड डेटा। जो हमको एक इंफॉर्मेशन और हमारा डेटा प्रोवाइड करके देता है। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशनशिप ओरिएंटेड रोल्स। इनको हम ग्रुप बिल्डिंग और मेंटेनेंस रोल भी कह सकते हैं। दीज रोल्स दैट ग्रुप इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू देयर एफर्ट्स मेड टू मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप इन द ग्रुप एंड अचीव द गोल्स आर नोन एज रिलेशनशिप ओरिएंटेड रोल्स। दीज रोल्स आर, ये हमारी ग्रुप को बिल्ड करते हैं, मेंटेन करते हैं हमारे रिलेशन। इसमें जो हम जो भी एफर्ट्स लगाते हैं, हमारी हेल्दी रिलेशनशिप बनाते हैं और गोल्स को अचीव करते हैं। इसमें कौन कौन से रोल आ जाते हैं, जैसे हारमोनाइजर, द वन हु लिमिट्स टेंशंस एंड रिकनसाइल डिसएग्रीमेंट्स। इसमें क्या है कि बंदे की पूरा उन एफर्ट्स लगाता है दूसरों की टेंशन को दूर करे और जितने भी डिसएग्रीमेंट ग्रुप में है उन सबको एग्रीमेंट में चेंज करे। गेटकीपर, द वन हु इंश्योर्स पार्टिसिपेशन बाय ऑल। जो ग्रुप की किसी भी प्रॉब्लम को, गोल को अचीव करने के लिए हर बंदे को, टीम मेम्बर को पार्टिसिपेट करवाए। कंसेंसस टेस्टर, द वन हु एनालाइज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जो पूरी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को एनालाइज करता है। इनकर्जर, द वन हु इज़ वार्म, रिस्पॉन्सिव, एक्टिव, शोज एक्सेप्टेंस। जो इनकरेज करता है, वार्मनेस प्रोवाइड करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, एक्टिव रहता है पूरा टाइम। कॉम्प्रोमाइजर, द वन हु एडमिट्स एरर। जो कॉम्प्रोमाइज़ करता है, अपनी गलती को भी एडमिट करता है। नेक्स्ट है हमारे इंडिविजुअल रोल्स, जिन्हें हम सेल्फ सेंटर्ड रोल भी कह सकते हैं। दीज रोल्स दैट क्लासीफाई अ पर्सन अकॉर्डिंग टू द मेजर ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट पुट इन द प्रोजेक्ट एम्ड इज नोन एज इंडिविजुअल रोल। जे हमारे एक पर्सन को क्लासीफाई करते हैं, उसके इंडिविजुअल एफर्ट्स को मेजर्स करते हैं और पूरी तरह उसके रोल्स को प्रोजेक्ट करते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं आगे, एग्रेसर्स, द वन हु डी वैल्यूज अदर्स, अटैक्स आइडिया। जो एक अग्रेसिव बिहेवियर का होता है, दूसरों को हमेशा डिवेल्यूएट करता है और अपने आइडियाज़ को आगे लाता है। ब्लॉकर, द वन हु डिसएग्रीज एंड रेबल्स बियॉन्ड रीजन। जो डिसएग्री तो रहता ही है और एक रेबियल बिहेवियर का है, एक जैसे हम कहते हैं कि फाइटर है, जो किसी की भी प्रॉब्लम में उसे सिर्फ अपना ही डिसीजन अच्छा लगता है। डोमिनेटर, द वन हु इंसिस्ट सुपीरियरिटी टू मैनिपुलेट अदर्स। जो एक डोमिनेट बिहेवियर रखता है, खुद को सुपीरियर मानता है और दूसरों को हमेशा
दूसरों को हमेशा मैनिपुलेट करता है। कैबेलियर द वन हु टेक्स पार्ट इन ग्रुप नॉन प्रोडक्टिविटी, जो एक ग्रुप की पार्टिसिपेशन उसका सिर्फ नॉन प्रोडक्टिव कामों में ही है। अवॉइडेंस द वन हु शोज स्पेशल इंटरेस्ट टू अवॉइड टास्क, जो हमेशा प्रॉब्लम्स को अवॉइड करता है, उसे कोई भी काम करना अच्छा नहीं लगता। दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ ग्रुप रोल्स। आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय, ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे ट्यून्ड।